तो यार गाइस थैंक यू सो मच फॉर द 1000 सब्सक्राइबर। तो यार आखिर आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा ही दिए थे। यार एक सवाल का जवाब तो मैं आपको पहले ही दे देता हूँ कि मेरी यूट्यूब इनकम का यानी कि फर्स्ट पेमेंट का। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यार मतलब यूट्यूब इनकम के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। तो यार हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए उससे ज़्यादा, लेकिन यार अभी 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। अभी लगभग हमारे चैनल पे 3200 से 3500 घंटे का वॉच टाइम पूरा हुआ है, यानी कि कुछ ही घंटे का वॉच टाइम बचा है, वो भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और उसके बाद जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा मैं आपको बता दूंगा हमारी फर्स्ट पेमेंट के बारे में। तो यार बात करते हैं कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर और 3500 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा किया। तो यार ये चैनल ना मैंने 1 जुलाई 2020 यानी कि एक साल पहले स्टार्ट किया था। तो यार उस टाइम पे ना मैं पबजी कस्टम रूम्स की कुछ वीडियो डालता था। तो यार लगभग ना मैंने 12 से 15 वीडियो डाली होगी एक महीने के अंदर। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे काम करना बंद कर दिया था, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि कुछ 5-6 महीने मैंने यूट्यूब पे काम बंद रखा। उसके बाद यार दिसंबर से मैंने ये गेम खेलना शुरू करा, गैंगस्टर वेगास, जो कि आप देख रहे हैं ये एक एंड्रॉइड गेम है। तो यार मतलब दिसंबर से मैंने इस गैंगस्टर वेगास की वीडियो डालना शुरू करी जो कि मैं अब तक डालता हूँ। और अगर बात करें कंटिन्यू काम करने की तो भी यार मतलब मैंने ना पिछले 6 महीने में दिसंबर से लेके अभी तक ना मतलब इस गैंगस्टर वेगास की मतलब 25 से 30 वीडियो से ज़्यादा नहीं डाली है। तो यार मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब एक महीने में 3-4 से ज़्यादा वीडियो मैंने डाली नहीं है। मतलब मैंने कंटिन्यू तो काम नहीं करा है, लेकिन यार मतलब जब भी मैंने इस पर वीडियो डाली है ना एक नंबर की वीडियो डाली है। और इस गेम के अलावा मैंने कभी कोई वीडियो नहीं डाली, यानी कि कुछ फालतू कंटेंट या कुछ भी उठा के डाल दे रहे हैं, कभी ये डाल दे रहे हैं कभी वो डाल दे रहे हैं या कभी कोई सा भी गेम खेल लिया है। तो यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैंने बहुत कम वीडियो डालता था, लेकिन फिर भी जितनी भी डालता था क्वालिटी की डालता था और पूरी स्टोरी लाइन बना के डालता था। तो यार मतलब मेरा ना ऑडियो क्लियर था और सब कुछ वीडियो वगैरह मतलब क्वालिटी की मैं बनाता था। जो भी मैं पब्लिक को कंटेंट देता था वो ना मतलब पूरा एक स्टोरी बना के वो मैं पूरी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता था। तो यार मतलब 25-30 वीडियो डाली, लेकिन यार वो ना बहुत ज़्यादा हिट है। तो यार अब मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे मोबाइल के यूट्यूब स्टूडियो पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। ओके तो यार ये रहा मेरा यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सब मेरी वीडियोज़ है जो भी मैंने अपलोड की, और ये रहा मेरा चैनल एट्रोक्स गेमिंग का। तो यार चलो चलते हैं इसके एनालिटिक्स पे। तो यार यहाँ पे ये देखो आप रियल टाइम व्यूज़ देख सकते हो कि मेरे 1700 रियल टाइम व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि 48 आवर्स में 1700 व्यूज़ आए हैं। तो यार यहाँ पे अगर मैं व्यूज़ की बात करूँ लास्ट 28 डेज़ का, तो यार 30,000 यानी कि 30,000 व्यूज़ आए मेरे लास्ट 28 डेज़ में, और 7 डेज़ में आए हैं 7,300 के आसपास, यानी कि हर दिन मतलब 1,000 व्यूज़ के आसपास। और अगर बात करें वॉच टाइम की तो यार यहाँ पे ना मतलब 1,090 घंटे का वॉच टाइम है यानी कि 28 डेज़ में। और यार अगर 7 दिन की बात करें तो 270 घंटे का वॉच टाइम मेरा यहाँ पे, यानी कि हर महीने मतलब 1,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है। और अगर बात करें सब्सक्राइबर की तो यार यहाँ पे ना मतलब लास्ट 28 डेज़ में 330 सब्सक्राइबर यानी कि 330 सब्सक्राइबर, और 7 डेज़ में 85 सब्सक्राइबर है। तो यार मतलब यहाँ ये बोल सकते हैं कि दिन के 10 से 12 15 सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं। तो यार यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे। तो यार देखो सबसे ज़्यादा जो मेरी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं वो ये है हाउ टू अर्न अनलिमिटेड मनी इन गैंगस्टर वेगास। तो यार इसका मैं एनालिटिक्स अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें ना मतलब 500 घंटे का वॉच टाइम इसने कंप्लीट करा है। अगर इसका ट्रैफिक सोर्स दिखाऊं मैं तो यार मतलब 80% से ज़्यादा यूट्यूब सर्च इसका ट्रैफिक है, यानी कि ये सर्चेबल कंटेंट है। तो यार इस वीडियो को ना लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी इन गैंगस्टर वेगास, तो यार ये एक सर्चेबल कंटेंट है। तो यार मतलब ना आपको भी वीडियो अगर बनाना है तो एक सर्चेबल कंटेंट तो आपको बनाना ही पड़ेंगे 2-3। तो यार मतलब कुछ ऐसी वीडियो जो लोग सर्च करते हो, बाकी तो अगर आप ऐसी सिंपल वीडियो बनाओगे तो आप बनाते ही रहोगे। मतलब यार ऐसे तो आप कंप्लीट कभी नहीं कर पाओगे 100, 200, 300 व्यूज़ से पर वीडियो के, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कभी गेन नहीं कर पाओगे। आपको सर्चेबल कंटेंट तो कुछ बनाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि यार मतलब कुछ भी वीडियो बना दिया, कोई सा भी सर्चिंग टॉपिक बना दिया, जो आप काम कर रहे हो जिस नीच पे यानी कि गेम है तो गेमिंग से रिलेटेड या उसी गेम से रिलेटेड अगर सर्चेबल कंटेंट बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यार आपके पास जो सब्सक्राइबर आते हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के बाद, बस यार वही आपकी मेन पब्लिक होती है। यानी कि मैंने इस गेम को यानी कि अगर मैं आपको शुरू से बताऊँ ना तो मेरी वीडियोज़ को लोग तो देखते थे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते थे। यानी कि मतलब ना एक दिन क्या 5-10 दिन तक भी मेरे एक सब्सक्राइबर भी नहीं गेन होते थे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो डालता रहा। धीरे धीरे मैंने कभी भी मेरे फ्रेंड को शेयर करने को नहीं बोला वीडियो, या फिर मैंने कभी मतलब मेरे व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह पे शेयर नहीं करी है इस वीडियो को, ना किसी फ्रेंड को फोर्सली बोला है सब्सक्राइब करने को। तो यार मतलब अभी तक तो मेरे फ्रेंड्स लोगों को पता भी नहीं है कि मेरा एक चैनल भी है। तो शुरू में तो 10-12 मतलब दिन में भी 1-2 सब्सक्राइबर भी नहीं आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे 5 सब्सक्राइबर आने लगे, 6-7 सब्सक्राइबर आने लगे डेली के, और अब तो मतलब 12-15 सब्सक्राइबर डेली के आ जाते हैं। तो यार मतलब मैंने ना कभी वीडियो शेयर की और कुछ भी नहीं। तो यार मतलब वीडियो आपको डालते रहना है, लेकिन यार शेयर करने से वगैरह से क्या होगा या किसी को बताने से
वो लोग तो आपकी वीडियो को एक बार सब्सक्राइब तो कर देंगे, लेकिन अगली बार तो देखेंगे नहीं वो आपको। या अगर आप कोई ऐसा कंटेंट डाल देते हो जो कि ना, मतलब एक एग्जांपल मैं दूँ, अगर मेरा एक गेमिंग चैनल है और मैं कुछ व्हाट्सअप स्टेटस की कुछ वीडियो डाल देता हूँ और वो वायरल भी हो जाती है, 20, 50K, 20K या 80K भी आ जाते हैं, और उससे कुछ मतलब 1500 सब्सक्राइबर मेरे गेन भी हो जाते हैं, तो यार वो ना मतलब एक डेड सब्सक्राइबर के तौर पर हैं। अगर आप फिर उसके बाद कभी गेमिंग वीडियो डालोगे आपकी, तो यार मतलब वो लोग ना आपकी गेमिंग वीडियो पे क्लिक ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी ऑडियंस है ही नहीं, वो तो सिर्फ स्टेटस देखने के लिए आई थी और वो उनका काम करके निकल ली। तो यार मतलब वो ऑडियंस तो कभी आपका गेम देखने के लिए आएगी नहीं, और फिर व्यूज़ आएंगे वही आपके 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बाद भी। तो यार मतलब अगर मैं कहूँ ना कि ये जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर है, इसमें से एक सब्सक्राइबर भी मतलब ना मेरा गेम की कंटेंट वाली ऑडियंस है। तो यार चलो छोड़ो, वैसे वो मैं यहाँ पे आपको टिप्स देने के लिए नहीं आया, लेकिन जो भी मेरा मतलब एक्सपीरियंस था यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया है, और अगर इन फ्यूचर अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और यार थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और मतलब क्या ही कहूँ मैंने तो कभी काम इस पे दिल से किया नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी किया आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो यार थैंक यू सो मच फॉर द अचीवमेंट।